महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को दावा किया कि एक विधायक के बेटे समेत कुछ हाई प्रोफाइल लोग पब में शराब पीकर उस पोर्शे कार में सवार हुए थे। पटोले ने आरोप लगाया कि विधायक ने मामले को कवर करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने यह भी दावा किया कि दुर्घटना के समय कार रेस चल रही थी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग दोहराई और पुलिस से कार में मौजूद लोगों के नाम का खुलासा करने को कहा। कांग्रेस नेता ने बताया कि कार रेस चल रही थी, कुछ हाई प्रोफाइल लोग पब में शराब पीने के बाद कार में सवार थे। कांग्रेस अध्यक्ष इस हादसे को लेकर कई सवाल करते नजर आए। उन्होंने पूछा, वो मंत्री कौन है जिसने पुलिस थाने को फोन किया और वो विधायक कौन है जिसका बेटा कार में मौजूद था। पटोले ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से घटना पर बोलने की मांग की। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 आईटी पेशेवरों की जान चली गई। वही कार के नाबालिग चालक को 5 जून तक रिमांड होम में भेजा गया, जबकि उसके पिता और दादा को पुलिस ने जांच को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया।